मैंने जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि कोई हेमंत सोरेन नाम का मुख्यमंत्री होगा। हमारे झारखंड में राम नवमी का जुलूस भी हम लोग निकाल नहीं पाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ में कोई आलमगीर आलम होगा, कोई इरफान अंसारी होगा और हमारे स्कूल झारखंड का कोई जिलाओं में शुक्रवार का बंद रहेगा। अगर आप जामतारा में स्कूल शुक्रवार को बंद कर सकते हो तो हनुमान सलीसा के लिए मंगलवार में भी स्कूल क्यों बंद नहीं हो सकता है? पहले एक सोच लीजिए, ये चुनाव जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम का नहीं है। ये चुनाव हम ऐसे समय में लड़ रहा हूं जहां पूरे झारखंड के इतिहास का एक ऐसा मोड़ पे हम लोग खड़ा हो कि यहां से या तो हम आगे जाएगा या नहीं तो हम यही हमारा समाज और हमारा संस्कृति को नष्ट होते देखना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, मैंने बहुत कट्टर प्रदेशों में भी किया हूं लेकिन मैंने जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि कोई हेमंत सोरेन नाम का मुख्यमंत्री होगा, कोई बन्ना गुप्ता नाम का मंत्री होगा और हमारे झारखंड में राम नवमी का जुलूस भी हम लोग निकाल नहीं पाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था यहां में कोई आलमगीर आलम होगा, कोई इरफान अंसारी होगा और हमारे स्कूल झारखंड का कोई जिलाओं में शुक्रवार का बंद रहेगा, रविवार का जगह में शुक्रवार बंद होगा। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं, अगर आप जामतारा में स्कूल शुक्रवार को बंद कर सकते हो तो हनुमान सलीसा के लिए मंगलवार में भी स्कूल क्यों बंद नहीं हो सकता है? ये तो आप बता के बोलिए। भाई और बहनों, आज आप हजारीबाग जाइए, राम नवमी का जुलूस नहीं निकालते हैं। आप पालामू में जाइए, लोहरदगा में जाइए, दुर्गा माँ का विसर्जन में भी लोग पुलिस का साथ झगड़ा करना पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।